बड़ा क्रिकेट मेला, कराची की रौनकें दोबाला, दीवाने पुरजोश। नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खुलते ही शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ाई। अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की हिमायत, चार्ली चैपलिन का रूप धारे मंचले के चर्चे। मैं चार्ली चैपलिन, आई सपोर्ट PSL, मैं पूरे PSL को सपोर्ट कर रहा हूँ। NAP 76 डस्का का जिमनी मार्का किसके नाम? धांधली के शोर पर रोके गए नतीजे का इंतजार। 23 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में ताखीर। 337 स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को PTI के अजरत मही पर बर्तरी। रिटर्निंग अफसर को 20 पोलिंग स्टेशन के नतायज में रद्दोबदल का खदशा। NA 75 के नतायज गैर जरूरी ताखीर से मौसूल हुए। मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG और डिप्टी कमिश्नर से राबते की कोशिश की मगर जवाब न मिला। चीफ सेक्रेटरी ने रात 3 बजे गुमशुदा अमले की बाजाबी की यकीन दहानी करवाई। सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान बमा पोलिंग बैग हाजिर हुए। मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगता है, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। तेईस पोलिंग स्टेशन का अमला इंतखाबी नतायज समेत गायब रहा। मिसिंग नतायज के हवाले से शकूक व शुभात मौजूद। मुतलिका पोलिंग स्टेशन के नतायज मुअत्तल करके फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त। NA 75 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। हुकूमत ने डस्का इलेक्शन से बर्दाश्त करने की सरतोड़ कोशिश की। हंगामा आराई और फायरिंग में तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस। सरकारी अफसर ठप्पे लगाते रहे। तहलों के बाद अमले को भी उठा लिया गया। फिर 2018 की फिल्म चलाई गई, पतली गली से नहीं निकलने दूंगी, अब ये मेरा दूसरा रूप देखेंगे। मरियम नवाज की ललकार, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज चार्जशीट करार। वजीर आजम वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर जोर। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको सुकून का सांस इसमें नहीं लेने दूंगी इंशाल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी, ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ, तारीखी शिकस्त और तारीखी बदनामी और रुसवाई पर मुबारकबाद कबूल फरमाएं। चारों सूबों ने आपको रिजेक्ट किया, पहले आप सिलेक्ट होकर आए थे, अब आप बुरी तरह रिजेक्ट हो गए। जाली राजकुमारी ने नौशहरा की जीत को अपने बयानिए की जीत करार दिया। वजीराबाद में नून लीग का जो रिजल्ट है उस पे ये बगले बजाते हैं। डस्का के जिमनी इंतहाब को वहाँ ये धांधली का रोना रोते हैं। एहसन इकबाल, जावेद लतीफ और उज्मा बुखारी रात भर रिटर्निंग अफसर को डिक्टेट करते रहे। नतायज व्हाट्सएप पर भिजवाए गए, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जब फॉर्म 45 आ गए तो फिर रिजल्ट का ऐलान क्यों नहीं किया गया? फिर दोस्त आशिक आवान का सवाल, डस्का के आवाम ने बड़ी सर्जरी कर दी। सुबाई मौवन खुसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौशहरा में तहरीक इंसाफ की शिकस्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक को काबीना से फारिग कर दिया। वजारत आबपाशी का कलमदान वापस, कारकुनान का जश्न। मिनिस्ट्री में मुदाखलत इख्तलाफात की वजह बनी, किसी पार्टी में नहीं जा रहा, PTI में ही रहूँगा। लियाकत खटक की मीडिया टॉक। NA 221 थर पार्कर में जिमनी इलेक्शन, पोलिंग आज होगी, तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत 12 उम्मीदवारों में मुकाबला। 2,81,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बड़े मार्के से पहले बड़ा जोड़ तोड़। आसिफ अली जरदारी का 2 रोज के दौरान नवाज शरीफ से दूसरा राबता। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल।
सियासी सूरतहाल और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गुफ्तगु। साबिक सदर यूसुफ रजा गिलानी की भी नून लीग कायद से बात करवाई। तारीख के दोराहे पे खड़े हैं जहां के हमने ये फैसला करना है कि आया हमने पैसे की सियासत को फरोग देना है या हमने मेरिट, शफाफियत और अहलियत की बुनियाद पे ये इस इदारों को खड़ा करना है। मफादात के लिए वो लोग जो पैसे के जोर पे आते हैं वो अपने मफादात का पहले तहफ्फुज करते हैं। माजी में पैसे के लेन देन के बाईस सेनेट इलेक्शन हमेशा मुतनाज़े रहा। अपोजिशन की जानिब से मामले पर बात ना करना काबिले अफसोस। करप्शन खत्म करने की बजाय कानूनी बहस में उलझाया जा रहा है। ऐवान का तकद्दस बहाल करना होगा, शिबली फराज का इजहार ख्याल। कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस ने मजीद 36 जाने ले ली। 24 घंटे के दौरान 1340 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,69,846 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 24,081 हो गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने हल्का एन ए 75 डस्का में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने डस्का इलेक्शन सबोताश करने की सरतोड़ कोशिश की। पहले थैले गायब किए गए, फिर 20 पोलिंग स्टेशन का अमला ही उठा लिया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी कर दिया। इन्होंने फायरिंग भी की और पीटीआई का जो एमएनए है एक वीडियो में ब्लेटेंटली आप देखें, एक वीडियो में वो फायरिंग करते हुए लोगों के साथ खड़ा हुआ। वहाँ पर इनका जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट के लोगों ने फायरिंग की, उसके भांजे भतीजों ने फायरिंग की। कहीं 20 मील दूर वो हुई फायरिंग हुई और इन्होंने डस्का शहर के पोलिंग स्टेशन जहाँ शेर का जोर था वो सारे बंद कर दिए। इनके मुशीर और अंदर बैठ के ठप्पे लगा रहे। सरकारी अफसरान बंद पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगा रहे थे, वहां से भी पकड़े गए। वोट के बैग्स फुल उठा के भागने के बावजूद भी जब ये हार रहे थे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। आरओ ऑफिस में बताया गया कि जी वो कोई 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो गायब कर दिए गए हैं। अभी तक कोई नहीं जानता कि 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहाँ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको किसने रखा है, इनसे क्या करवाया है। धुंध में किसी का फोन बंद होता है कभी? ये धुंध में अचानक बाजमात सारे गायब भी हो जाते हैं और बाजमात 20 के 20 अफराद के फोन भी बंद हो जाते हैं और वो कॉन्टैक्ट में भी नहीं आते। जो टर्न आउट है वो बाकी सब जगहों पर 30-35% है। इन 20 पोलिंग स्टेशन पे अचानक वो 30-35 को ऐसे जो वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और वो 85-90% हो जाती है। ये जो ECP की प्रेस रिलीज है ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इस जाली हुकूमत के खिलाफ। चीफ मिनिस्टर किधर थे, चीफ सेक्रेटरी किधर थे, पुलिस किधर थी, IG साहब किधर थे, इंतजामिया किधर थी।